आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में? वेरिएबल को आप समझोगे एज अ कंटेनर विच आर यूज टू स्टोर डेटा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेरिएबल्स को एज अ कंटेनर विच स्टोर सम डेटा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल की, जैसे कि किचन में राइस के लिए एक कंटेनर होता है, इसी तरह डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं जिसमें हमने कॉफ़ी रखी होती है, जिसमें चिलीज़ होती हैं, साल्ट होता है, तो एंड सो ऑन। और इनको कुछ इनमें इन कंटेनर्स में कुछ और ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। ऐसे ही मेमोरी में अगर हम कंटेनर की बात करें, वहाँ पे कंटेनर में कुछ डेटा डाल दें, इन कंटेनर को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसमें हमें डेटा को स्टोर कर रखा है, और वो जो डेटा स्टोर कर रखा है इसकी वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने कोड में। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। मेमोरी के अंदर एक सेल को हम वेरिएबल कहते हैं। जो हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट दे रहे होते हैं, वैल्यू दे रहे होती है, इनकी इनपुट को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ करते हैं। The value of a variable may change during the execution of a program. Variable की value change होती रहती है किसी भी execution के दौरान। Mean के अगर मैंने एक variable की value 5 declare की है, तो उसमें मैं 10 भी declare कर सकती हूँ। Variable की value change होती रहती है। However, the name of variable can, लेकिन variable का name कभी भी change नहीं होगा। The variable is created in RAM. Variable RAM में create किए जाते हैं। RAM क्योंकि temporary memory है, इसलिए रैम के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा, जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा तो वेरिएबल भी साथ ही रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी देखते हैं, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने एक एक्स को लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसमें मैंने एक्स वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवा सकती हूँ एक कंटेनर में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल ली थी किचन की, किचन में डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, उनमें डिफरेंट चीज़ें ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने एक्स वैल्यू को स्टोर किया हुआ, तो ये क्या है, एक वेरिएबल। अब इसी तरह ये एक मेमोरी सेल की बात करें, तो ये मेरे पास एक मेमोरी है जिसमें पीसीज ऑफ मेमोरी है, तो इसमें मैंने एक वेरिएबल को स्टोर करवाना है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे मैंने इधर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और उसका साथ एक एड्रेस को भी स्टोर किया है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है कि ए डिफरेंट पीसीज मेमोरी में देखें तो वो डिफरेंट पीसीज ऑफ सेल है। अब उसके बाद इसी तरह सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग के 5 वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले इंट देखेंगे। इंट क्या होते हैं? इंट नंबर होते हैं -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर वैल्यू। इंट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने में मदद करता है। फिर फ्लोट, फ्लोट डेसिमल नंबर स्टोर करने में मदद करता है, जैसे कि 3.77, 1.21। फिर करेक्टर, करेक्टर स्टोर करता है करेक्टर वैल्यू, जैसे सिंगल करेक्टर वैल्यू इन सिंगल कोर्स में DCE। एक करेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो जस्ट करेक्टर वेरिएबल का यूज़ करते हैं हम। करेक्टर का यूज़ करते हैं सिंगल वेरिएबल के लिए जिसको सिंगल कोर्स में लिखेंगे। इसके बाद डबल सेम फ्लोट की तरह का होता है। डिफरेंस ये होता है कि डबल की प्रिसीजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। अगर डेसिमल के बाद बहुत सी वैल्यू को स्टोर करवाना है तो हम डबल का यूज़ करते हैं। बूलियन क्या होता है? बूलियन ट्रू या फाल्स। अगर हमने येस या नो डिटरमिन करना है तो हम बूलियन वैल्यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं इंट सम इज़ इक्वल टू 3, तो इसका क्या मतलब है कि सम एक इंटीजर कंटेनर है, इस तो इंटीजर वैल्यू को, जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, और सम जो है हमारे प्रोग्राम में स्कोप के लिहाज से लगाया गया है। स्कोप क्या होता है, ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखते हैं कि स्कोप क्या होता है। अब इसको देखते हैं सिंटैक्स फॉर वेरिएबल डिक्लोरेशन। सबसे पहले इसमें क्या है कि डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप आप कोई सी भी डाटा टाइप लिख सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, बूलियन, कोई सी भी डाटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद स्पेस आएगी, फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, कोई सा भी वेरिएबल का नेम लिखेंगे, और उसको फिर वैल्यू कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे। ये है सिंटैक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन का, डाटा टाइप, स्पेस, वेरिएबल नेम। जैसे इधर नीचे इंटीजर डाटा टाइप की दो वैल्यू है, इंट ए और इंट बी, इसको कोई सी भी वैल्यू असाइन की हुई है। इसी तरह आप करेक्टर डाटा टाइप भी ले सकते हो, बूलियन भी ले सकते हो, और फ्लॉट भी ले सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन स्कोप वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स।
स्कोप के लिहाज से हम दो तरह के वेरिएबल बना सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का नाम जैसे कि बता रहा है कि इसका स्कोप लोकल होता है, और ग्लोबल वेरिएबल का नाम जैसे कि बता रहा है कि इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल होता है। अब हम देखते हैं वेरिएबल स्कोप का क्या मतलब है। स्कोप का मतलब होता है वो रीजन जहाँ पे वेरिएबल एग्जिस्ट करना है। सी प्लस प्लस में हमारे पास दो तरह के स्कोप होते हैं, लोकल स्कोप वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल स्कोप वाले वेरिएबल को लोकल स्कोप कहते हैं और ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप कहते हैं। लोकल वेरिएबल हमारे एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे कि ये लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड द ब्रेसेस ऑफ एनी फंक्शंस एंड कैन बी असेस्ड ओनली फ्रॉम देयर। लोकल वेरिएबल हमारे एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको सिर्फ वही फंक्शन जानते हैं, यानी अगर हम उनको फंक्शन से बाहर या फिर किसी फंक्शन मेन फंक्शन से बाहर उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वो असेस नहीं करता, हमारे फंक्शन में हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन एंड कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनी वेयर। इसी तरह ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और इनकी वैल्यू जो है वो किसी भी फंक्शन से असेस कर सकते हैं। हम इसको प्रोग्राम में देखेंगे नेक्स्ट, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब मेरे एक क्वेश्चन है आपसे, कैन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स हैव द सेम नेम इन सी प्लस प्लस? यस। कैसे? अब हम इसको जब हम इसका प्रोग्राम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल जो है वो सेम नेम से सी प्लस प्लस पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स, डेटा टाइप के बारे में पहले भी बात की कि इंटीजर फ्लोट करेक्टर बुलियन होता है। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो वो डिफाइंड करता है टाइप ऑफ डेटा जो एक वेरिएबल होल्ड कर सकता है, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है और फ्लोट वेरिएबल फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करता है। इसी तरह करैक्टर वेरिएबल करैक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यू फ्लोट वेरिएबल जो है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। अब इधर हमारे पास तीन तरह के डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड एंड ड्राइव। अब हम इसको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप वो होते हैं जो इंटीजर फ्लोट करेक्टर डब्ल्यू बोले, ये सब क्या है? बिल्ट इन डाटा टाइप होते हैं। अब इंटीजर, इंटीजर में 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? इंटीजर डाटा टाइप। अब फ्लोट की देखें तो फ्लोट में जो आता है वो 3.23, 24, 6.78 ये सब क्या है? फ्लोट डाटा टाइप। करेक्टर की बात करें तो करेक्टर में सिंगल कोट में हमारा करेक्टर आएगा, फॉर एग्जांपल डी, फिर ई, कोई सा भी हम करेक्टर इसमें लिख सकते हैं। अब डबल की बात करें तो डबल में क्या आता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ 3.74678930, डेसिमल नंबर ऑफ हाई प्रिसीजन। डबल में क्या होता है कि अगर हम लोग अशारिया के बाद डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हम डबल डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। इसकी प्रिसीजन हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। फ्लोट डेसिमल नंबर ऑफ लो प्रिसीजन एंड डबल डेसिमल नंबर ऑफ हाई प्रिसीजन। फ्लोट अगर हमें पॉइंट के बाद एक दो वैल्यू चाहिए होती है तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, और डबल अगर हमें पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू चाहिए हो तो उसके लिए हम डबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो बूलियन है वो ट्रू या फॉल्स को डिटरमिन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमने क्योंकि बिल्ट इन डेटा टाइप की थ्री, सी प्लस प्लस में डेटा टाइप की थ्री टाइप देखी थी, बिल्ट इन, यूज़र डिफाइंड एंड ड्राइव। अब हम यूज़र डिफाइंड देखते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन सी होती है? स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सब क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद जो ड्राइव डाटा टाइप्स है ये है अरे, फंक्शन, पॉइंटर, ये सब क्या है? ड्राइव डाटा टाइप। इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर। हम इसका कोड जो है वो सी प्लस प्लस डेफ सी प्लस प्लस में करते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने स्ट्रक्चर इसका सिंटेक्स पढ़ा था तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर सिंटेक्स क्या था सी प्लस प्लस का। इधर मैंने एक न्यू फाइल लेती हूँ,
डेव सी प्लस प्लस में न्यू फाइल को ओपन करती हूँ, इसमें लिखती हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन इंट ए। एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इंटीजर वेरिएबल को, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दिया है। इंट ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं टेन करती हूँ, उसके बाद क्या आएगा सेमीकोलन, फिर उसके बाद मैं उसके वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स, उसमें मैं क्या डिस्प्ले करूँगी द वैल्यू डबल लेस देन सिंबल और एट द एंड एंडल। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम लोग ने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ये जो लिखा है ये हेडर फाइल है। ये हर प्रोग्राम लिखने से पहले हम लाजमी लिखेंगे, अगर हम ये किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले ये नहीं लिखेंगे हमारी आउटपुट नहीं आएगी, हमें एरर मिलेगा। उसके बाद इंट मेन, हम हमारा मेन फंक्शन मेन प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है, उसमें हम लोग क्या सबसे पहले हम क्योंकि वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल्स में मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। डाटा टाइप कौन सी है उसकी ए, और वेरिएबल का नेम क्या है, डाटा टाइप कौन सी है उसकी इंटीजर और वेरिएबल का नेम क्या है ए, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद हम ए को कोई वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि 10 अब वैल्यू असाइन की है, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। फिर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया सी आउट डबल लेस देन सिंबल इंसर्शन ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, और जो मैसेज को डिस्प्ले करना है वो डबल कोट्स में आएगा द वैल्यू ऑफ ए। फिर ये जो वैल्यू, ये जो मैंने लिखा है द वैल्यू ए, ये हमें आउटपुट में एस मिल जाएगी, और जो मैं डबल लेसेंस इंसर्शन ऑपरेटर के बाद इस ए को लिखा है इसमें क्या है कि हमें ए की जो वैल्यू असाइन की हुई है जो मैंने 10, वो वैल्यू मुझे इधर मिल जाएगी 10, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर और एट दी एंड एंडल। एंडल मैंने इसलिए यूज़ किया है कि एंडल बेसिकली यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए, नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। तो अब मैं इसके बाद इसको रन एग्जीक्यूट करती हूँ, इसको पहले सेव कर लेती हूँ, किसी भी नेम से आप सेव कर सकते हैं इसको। ये देखें अब इसमें मुझे आउटपुट मिल गया है द वैल्यू ए 10। आप ये देखिए डबल कोट्स के अंदर जो मैंने मैसेज लिखा था द वैल्यू ए, ये एस टी प्रिंट हो गया है। अब उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद ये जो हम लोग डबल लेस देन सिंबल इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो भी वेरिएबल का नेम लिखेंगे और फिर इंसर्शन ऑपरेटर, इसमें हमारी जो वैल्यू असाइन की हुई है वेरिएबल की वो प्रिंट होके आ जाएगी। इधर मैंने क्या इसे असाइन की थी ए की वैल्यू 10 और इधर मुझे ए की वैल्यू 10 मिल गई। और एंडल, एंडल इसलिए यूज़ किया है कि लाइन ब्रेक के लिए हमने एंडल यूज़ किया है। होपफुली आपको वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोग्राम। जो भी हम लोगों ने ऊपर डाटा टाइप्स पढ़े उसको अब डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर फ्लॉट करैक्टर बूलियन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल को ओपन करती हूँ सी प्लस प्लस डेव सी प्लस प्लस में। सबसे पहले हम इसका हेडर फाइल लिखेंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन। ये हेडर फाइल क्योंकि हम हर प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ये लाजमी लिखेंगे, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले मैं लिखती हूँ इंट ए इज इक्वल टू 14, उसके बाद क्या आएगा सेमीकोलन, फिर इंट
बी इज इक्वल टू 50, उसके बाद सेमी कॉलन। अब मैं इनको प्रिंट करवाती हूँ सी आउट। एक मैसेज लिखती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर कॉमा लगा देती हूँ। उसके बाद मैं स्लैश एन, ये किस लिए यूज़ किया है अभी मैं आपको बताती हूँ। इसका हियर जो मैसेज डिस्प्ले किया, अब मुझे उसकी वैल्यू भी चाहिए। हियर दी वैल्यू ऑफ ए इज, फिर इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा और उसमें वेरिएबल का नेम लिखेंगे ए। फिर उसके बाद हम लोग साथ ही बी की वैल्यू भी हमें चाहिए, उसको भी साथ ही लिख लेते हैं, कॉमा स्लैश एन वैल्यू ऑफ बी इज। रिटर्न जीरो, अब ये देखिए सबसे पहले हमने इसका हेडर फाइल लिखा, उसके बाद दो इंटीजर डाटा टाइप वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया, इंट ए इज इक्वल टू 14 उसको वैल्यू असाइन किया और बी को वैल्यू असाइन किया 15। अब उसका मैंने डिस्प्ले करवाया, उसका मुझे दोनों की वैल्यूज भी चाहिए आउटपुट में, तो मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, और ये पॉइंट साथ मैंने पॉइंट के बाद बैक स्लैश एन का यूज़ किया। बैक स्लैश एन क्या करता है कि बेसिकली ये लाइन ब्रेक के लिए हम यूज़ करते हैं, कि अगर मैंने मुझे एक लाइन में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, और दूसरी लाइन पे मुझे ए की वैल्यू मिल जाए, और फिर थर्ड लाइन पर मुझे बी की वैल्यू मिल जाए। इसी तरह फिर मैंने उसके आगे लिखा, हियर द वैल्यू ऑफ ए इज़ ए, एंड फिर डबल कोट्स के अंदर मैंने एक मैसेज को डिस्प्ले किया फुल स्टॉप बैक स्लैश एन द वैल्यू ऑफ बी इज बी, ये बी। अब उसके बाद एंडल इसलिए लिखे हैं ताकि मुझे हर लाइन को, हर जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट लाइन में चाहिए, तो उसके लिए मैंने एंडल लिखा है। अब इसको रन करती हूँ, पहले सेव कर लेती हूँ किसी भी नेम से। ये देखें, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उनको वैल्यू असाइन की, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, जो मैसेज लिखा था वो डिस्प्ले हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद बैक स्लैश एन लाइन को, इसने लाइन को ब्रेक किया है, हेयर द वैल्यू ऑफ ए, ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है, और उसके साथ हमें ए की वैल्यू मिल गया जो कि क्या थी ऊपर असाइन की 14। सिमिलरली फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, फिर बैक स्लैश एन इसने लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पर ले गया, द वैल्यू ऑफ बी इज 15। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो उसमें क्या करते हैं। अच्छा एक और बात, इसमें हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 14 और बी इज इक्वल टू 15। अगर हम इसको कमेंट कर दें और इसको एक भी मल्टीपल सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, तो इस तरह करने से भी हमारा जो प्रोग्राम आउटपुट जो है वो सेम रहेगी। दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, हियर द वैल्यू ऑफ ए इज़ 14, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 15। ये देखें, पहले मैंने इस तरह हर लाइन में इसको डिक्लेयर किया था इंटीजर वेरिएबल को, फिर दूसरी लाइन में बी की वैल्यू को असाइन किया था। मैंने क्या किया, अब इसको कमेंट करके इसको मैंने ये डिफरेंट, क्योंकि इनकी डाटा टाइप सेम थी इसलिए मैंने एक ही लाइन में इन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया। इस तरह करने से भी हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट सेम ही आएगी। उसके बाद मैं एक फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट पाई इज इक्वल टू
3.14, उसके बाद क्या आएगा, सेमी कॉलन, और करेक्टर की वैल्यू को भी डिस्प्ले करती हूँ, करेक्टर सी इज इक्वल टू सिंगल कोर्स में कोई वैल्यू को डी, कोई कोई से भी करेक्टर ले लें, और इसके बाद क्या आएगा, सेमी कॉलन। अब जो भी वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए हैं आप, उसका आउटपुट भी मुझे चाहिए। अब मैं सी आउट करवाती हूँ, सी आउट बैक स्लैश एन, द वैल्यू ऑफ पाइज पाइज इंसर्शन ऑपरेटर और पाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर सी आउट बैक स्लैश एन The value of C is 0.5। अभी देखें जो भी वीडियो पर ऊपर डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू मुझे आउटपुट उसको प्रिंट करवाना है कि मुझे उसके आउटपुट मिले। तो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 पाई की जो वैल्यू होती है, और करेक्टर में क्या लिखा था, C इज इक्वल टू सिंगल कोर्स में हमने कोई भी करेक्टर को डिक्लेयर करना तो उसको सिंगल कोर्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सिक्यूट करते हैं। ये देखें मुझे क्या मिला है, आउटपुट में क्या आया है कि ये पहला स्टेटमेंट दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद हियर द वैल्यू ऑफ ए की 14, बी की 15, द वैल्यू ऑफ पाइज, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 डिस्प्ले हो गई है, और द वैल्यू ऑफ सी इज़ डी, सी की कौन सी वैल्यू साइन हुई थी, डी। अब ये देखें ये मुझे एक ही लाइन में मिला है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर इसके एंड पे एंड लगा देती हूँ तो ये मुझे सेपरेट सेपरेट लाइन में मिलेगा, एंड एंटर करने के बाद मैं इसको रन एंड एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखिए द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 मुझे सिंगल लाइन में मिला है, और द वैल्यू ऑफ सी इज टी ये भी सिंगल लाइन में मिला। एंटर बेसिकली ये ही फंक्शन है इसका, प्रोग्राम का। अब इसमें मैं एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ जो कि क्या है, बूलियन, बूल इज ट्रू। मैंने ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया ट्रू, और उसके बाद क्या आएगा, सेमी कॉलन। अब उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, सी आउट बैक स्लैश आप लिखे ना भी लिखे इट्स ओके, बैक स्लैश एन द वैल्यू ऑफ इज ट्रू, इज डबल लेस देन सिंबल जिसको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं इज ट्रू। ये देखिए हमने इसके अंदर अंडरस्कोर का यूज किया है। आप ये देखें बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर किया था बूल इज, इसके अंदर हमने क्या लिखा था, अंडरस्कोर फिर ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, और उसको डिस्प्ले कर दिया सी आउट में। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या मिलती है हमें, द वैल्यू ऑफ बूल इज ट्रू 1। अब ये देखें हमें इधर ये 1 कैसे इधर आया है कि जब वैल्यू ट्रू होगी बूलियन पे तो हमें 1 मिलेगा, और अगर मैं इधर लिखती हूँ फॉल्स फॉल्स तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। लिखा गया था साथ,
इधर भी फॉल्स आएगा। अगर हम इसमें फॉल्स लिखते हैं तो हमें फॉल्स में क्या आउटपुट में मिलेगी, जीरो। ट्रू लिखेंगे तो वन, और फॉल्स में क्या मिलेगा, जीरो। ट्रू के साथ ही करते हैं। देखें द वैल्यू ऑफ ट्रू इज वन। जब हम लोगों ने फॉल्स किया तो वैल्यू हमें क्या मिली, जीरो, और जब ट्रू किया है तो वैल्यू क्या मिली, वन। ट्रू का मतलब वन मिलेगा, और जब फॉल्स होगा तो उसका मतलब है जीरो मिलेगा। ठीक है, अब हमने इसमें डिफरेंट जो हम लोगों ने फाइव वेरिएबल्स डाटा टाइप्स पढ़ी थी उनको डिक्लेयर करके देखा है कि वेरिएबल्स में उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम जो आप जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी जो हमने बात की थी कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन की स्कोप की बात की थी, कि अब हमने जो स्कोप की बात की थी कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। जैसा कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, तो मेन के पास ऑर्डर देते हैं, देन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल को पास किया, एक फंक्शन को पास किया, सम नाम के फंक्शन को मैंने एक सम नाम के फंक्शन को पास किया, सम। ये हम कौन सा कर रहे हैं, स्कोप का, जो कि हमने पहले बात की थी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में स्कोप क्या होता है, अब वो काम करने जा रहे हैं। जिसमें हमने ये भी देखा था कि क्या लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल को सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, तो हमने आंसर में ये लिखा था यस। अब उसको देखते हैं कि कैसे हम दोनों को सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम मेन के पास जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग अपना ऑर्डर देते हैं, तो वो क्या करता है, फिर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर वो हमारे पास ऑर्डर लेके आता है। ठीक है, इसी तरह मैंने हमारे पास एक फंक्शन है सम नाम का फंक्शन, जो कि इस तरह एग्जीक्यूट होता है सम, उसके बाद क्या आएगा, सेमी कॉलन। अब उसके बाद मैं मेन से बाहर एक इंटीजर, क्योंकि हम लोग पीछे पड़ा है कि ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं, तो इधर मैं एक वेरिएबल को फंक्शन, इधर भी एक सब फंक्शन को डिक्लेयर करती हूँ जिसका नाम है void sum, और curly bracket and open bracket। ओके, इसके बाद मैं एक इंटीजर वेरिएबल जो कि क्या है glow, उसको डिक्लेयर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू क्या है, सेवन, उसके बाद सेमी कॉलन आएगा। अब मैंने जब इसको डिक्लेयर किया तो इधर जो पहला फंक्शन डिक्लेयर किया है इसमें मैं क्या लिख दूँगी, सी आउट ग्लो एंडर। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, जब इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखती हूँ इसमें क्या है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने अभी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, मेन फंक्शन में हमने हमारा जो भी फंक्शन मेन में डिक्लेयर होगा वो क्या होगा, जो भी वेरिएबल मेन फंक्शन में डिक्लेयर होगा वो लोकल वेरिएबल होगा, और जो मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होगा, जैसे कि ये मैंने अभी किया, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। अब इसमें मैं क्या है, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, जब इन सब बाकी जो भी सी आउट है उनको कमेंट्स कर देती हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ। तो देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। ये देखिए, हमने इधर क्या लिखा था, एक इंटीजर वेरिएबल यह था जो कि क्या है, ग्लो, उसको क्या वैल्यू असाइन की थी, सेवन। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया था सम का,
और उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन भी एक फंक्शन बनाया था, हम मल्टीपल फंक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। इधर मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके बाद मेन से बाहर मैंने एक void sum का फंक्शन बनाया था, तो उसमें मैंने जो इंटीजर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की वो है 7। अब मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिख दूँ int glow is equal to 10, तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये देखें, पहले हमारे पास जब ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया था तो उसमें जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी 7। अब जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इधर मैंने कौन से वेरिएबल लिए, इंटीजर ग्लो इज इक्वल टू 10, उसको क्या वैल्यू साइन करती है 10। तो ये देखिए, जो ग्लोबल वेरिएबल है वो नहीं, जो न्यू वैल्यू हमने लोकल वेरिएबल को डिस्प्ले किया है वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। देखिए लेकिन प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, लोकल वेरिएबल को। अब इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ ग्लो इज इक्वल टू 67, तो ये देखते हैं अब हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, 67। ये देखिए, उसने न्यू वैल्यू को अपडेट कर दिया है, जो ओल्ड वैल्यू थी उसको रिमूव करके जो न्यू वैल्यू मैंने इधर लिखी है उसको अपडेट कर दिया है। हमने पीछे ये पढ़ा था कि क्या ग्लोबल वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल को C++ में सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। अभी हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखी है, int glow इज इक्वल टू 7, इसी glow के नेम से एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एक मेन फंक्शन से बाहर, और glow के ही नेम से हमने एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि जो भी लोकल वेरिएबल को हम मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो लोकल वेरिएबल होगा, और जो फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करेंगे वो है ग्लोबल वेरिएबल। अब जब मैंने int glow is equal to 10 किया, int glow is equal to 7 किया, उसने सबसे पहले, अभी मैंने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था, अभी मैंने बस ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, तो जब int glow is equal to 7 किया तो उसने मुझे आउटपुट में 7 दे दिया। फिर मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया int glow is equal to 10, तो उसने मुझे लोकल वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की थी वो आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया, जो कि 10 था। और फिर उसके बाद मैंने न्यू वैल्यू अपडेट की, ग्लो इज इक्वल टू 67, और उसने मुझे अपडेटेड वैल्यू आउटपुट में शो कर दी। इसका मतलब है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को हम सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं C++ में, लेकिन प्रेसिडेंस लोकल वेरिएबल को मिलेगी। ये देखिए, जब हम लोगों ने ग्लो 10 इंट ग्लो इज इक्वल टू 10 किया था तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई थी, 10, लेकिन उससे पहले क्या वैल्यू आई थी, 7, और उसके बाद क्या वैल्यू आई है, 10। अब मैंने जब ग्लो इज इक्वल टू 67 मिला है तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है, 67। अब इसका मतलब है कि हाँ, हम लोग लोकल ग्लोबल वेरिएबल दोनों को सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं C++ में। होपफुली आपको समझ आ जाए आगी होगी कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं C++ में सेम नेम से। अब हम देखते हैं रूल्स टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स के रूल्स हैं। हमने वेरिएबल्स बनाने की तो बात कर ली, बट वो क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं, डिसाइड करते हैं। फर्स्ट वन है, वेरिएबल्स में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल, जैसे मैं कोई वेरिएबल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ int n1 इज इक्वल टू 10, उसके बाद क्या आएगा, सेमी कॉलन, और सी आउट करवाती हूँ, सी आउट n1, ये सिंगल कोट्स है, कैपिटल n1, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर n1,
इसका फर्स्ट रूल क्या है? वेरिएबल्स में इंक्लूड लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल्स में लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर हो सकते हैं। अब ये देखिए, जो हम लोगों ने इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है एन, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, इसमें नंबर और अंडरस्कोर आ सकता है। इसमें पहले, सबसे पहले क्या है, करेक्टर है, और फिर उसके बाद क्या है, नंबर। ठीक है, फिर उसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। इसी तरह सी आउट कर दिया, पहले करेक्टर आया और फिर नंबर आया। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये बताता है कि वेरिएबल्स में हम लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर को भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड रूल्स क्या कहता है। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। मतलब जब भी आपने कोई वेरिएबल लिखना है तो इसके साथ नंबर पहले नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रही हूँ। ये एरर इसलिए है क्योंकि जब तक हम इसका हेडर फाइल नहीं लिखेंगे, इसको डिक्लेयर करते वक्त इससे पहले हेडर फाइल नहीं लिखेंगे, तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट मैं लिखती हूँ, इंट वन, इंट इज इक्वल टू वन एन, और सी आउट करवा देती हूँ, सी आउट वन एन, इंसर्शन ऑपरेटर एन वन एंड डन। तो सेकंड रूल हमें ये कहता है कि फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर या लेटर लिख सकते हो, लेकिन कभी भी नंबर से आप वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते। अब ये जैसे ये मैं लिखती हूँ, इंट ए इज़ इक्वल टू वन एन, जैसे मैंने ये लिखा है, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, इस तरह नहीं लिख सकते। हाँ, पहले करेक्टर वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद नंबर, जैसे कि ये ऊपर हम लोग ने डिक्लेयर किया था, पहले करेक्टर वैल्यू आई थी और फिर नंबर आई थी और फिर हमने कोई वैल्यू साइन की थी, तो ये ट्रू है। अगर हम इस तरह लिखते हैं, इंट ए इज़ इक्वल टू पहले नंबर फिर करेक्टर वैल्यू फिर करेक्टर लिखते हैं, तो ये रॉन्ग है, आउटपुट हमें, हम इस तरह नहीं लिख सकते वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त। थर्ड रूल हमें ये बताता है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम में ब्लैंक स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखती हूँ इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट रोल नंबर तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये क्या आएगा, एरर आएगा। इस तरह करने से ये एरर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका थर्ड रूल ये बताता है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेसेस नहीं होगी। अगर मैं इसको रोल नंबर साथ लिख देती हूँ नंबर को भी, तो अब ये ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब मैं इनके दरमियान, रोल और नंबर के दरमियान स्पेस लिखूंगी, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है, बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। हम अपर केस से भी लिख सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और लोअर केस से भी। कैसे? फॉर एग्जांपल, इंट ए इज इक्वल टू 10 करते हो, 10 और कैपिटल ए इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट डबल कोट्स ए एंडल, सिमिलरली सी आउट कैपिटल ए।
फोर्थ रूल हमें ये बताता है कि बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। अगर हम लोग इसको अपर केस में या लोअर केस में, अपर केस या लोअर केस में, मतलब कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो हम इसमें अब ये अलाउ है हमें, ठीक है। जैसे ये देखिए, इंट ए इज़ इक्वल टू 10 और कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। इसी तरह मैंने सी आउट करवा दिए स्मॉल ए को और कैपिटल करवा दिए, सी आउट करवा दिए कैपिटल ए को। मतलब हम लोग अपर और लोअर केस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। अब थर्ड रूल, हमें फिफ्थ रूल क्या कहता है, स्पेशल सिंबल्स कांट बी यूज एज वेरिएबल नेम। स्पेशल सिंबल हम इसमें नहीं लिख सकते, जैसा कि एट द रेट ऑफ, हैश टैग, डॉलर्स के नाम से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड कांट बी यूज एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, करेक्टर, ये क्या है, रिजर्व वर्ड, सी प्लस प्लस के आपके रिजर्व वर्ड है, ठीक है। इनको हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते वक्त। सेवन्थ रूल हमें क्या कहता है, आ वेरिएबल्स कांट बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप, कि एक ही डाटा टाइप से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इंट ए इज इक्वल टू 10 और कैपिटल ए इज इक्वल टू 20, फ्लोट ए इज इक्वल टू 2.67। अगर आपने एक वेरिएबल के नेम को पहले यूज कर लिया है तो दूसरे डाटा टाइप से एक ही नेम का वेरिएबल नहीं ले सकते। ये देखिए, अगर ये डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप में मैंने एक वेरिएबल ए को यूज़ किया है, तो मैं दूसरे डाटा टाइप जो मेरा फ्लोट है उसमें कभी भी सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकती। लास्ट वन क्या है कि आ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 करेक्टर लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। हम 31 करेक्टर तक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि अगर हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बुक्स इन इन द टेबल, अगर हम लोगों ने ज़्यादा करेक्टर वाले वेरिएबल को डिक्लेयर करना, तो हम इस तरह कर सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन दी टेबल, मतलब उनके दरमियान हम लोग अंडरस्कोर का यूज़ करते हुए उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वेरिएबल का नाम पड़ा है 31 करेक्टर से, तो 31 करेक्टर तक वो ले लेगा, बाकी वेरिएबल्स को वो छोड़ देगा। तो ये थे हमारे रूल्स टू डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे कि क्या हमने रूल्स पढ़े हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और हम लोग क्या सेम नेम से लोकल वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को सेम नेम से डिक्लेयर कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। उसके बाद हमने वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स वगैरह पढ़ी और उसके बाद हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम किया जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल्स की डेफिनेशंस को देखा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी क्या रूल्स हैं। अब हम देखते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस। अब टाइम आ चुका है यूज़र से इनपुट लेने का और उसे आउटपुट देने का है। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है। इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि वो यूज़र के इंट्रेक्शन का रिस्पांस दे, यानी कि अगर यूज़र से इनपुट दे तो वो प्रोसेस करके आउटपुट दे दे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट अब जो सी प्लस प्लस में होता है वो हमारे साथ बहुत सी लाइब्रेरी के साथ आता है। सी प्लस प्लस में हमने जो अभी तक लाइब्रेरी यूज़ की है वो है आयो स्ट्रीम्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम हमें फैसिलिटी देती है कि डाटा को इनपुट करा सके और आउटपुट करा सके। तो सी प्लस प्लस में बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं, हमने तो अभी तक एक ही पढ़ी है जो कि आयो स्ट्रीम पढ़ी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रीम का मतलब क्या है।
स्ट्रीम का मतलब होता है कि सीक्वेंस ऑफ बाइट। सी प्लस प्लस में डाटा को इनपुट आउटपुट के लिए जो फ्लो होता है इसे बोलते हैं स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब इनपुट स्ट्रीम क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लोज ऑफ बाइट्स टेक प्लेस फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू द मेन मेमोरी। वो स्ट्रीम जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स होता है इनपुट डिवाइस से मेमोरी तक, प्रोग्राम सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है और इसके बाद चलता है, ठीक है। अगर आपका डाटा इनपुट वाइज से फ्लो हो रहा है तो मेन मेमोरी से, कीबोर्ड वगैरह से, तो इसे क्या कहते हैं? आयो स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स टेक प्लेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू द आउटपुट डिवाइस। जब प्रोग्राम ने कुछ प्रोसेसिंग करके यूज़र को डाटा डिस्प्ले किया, यानी डाटा का जो फ्लो हो रहा है वो मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस में हो रहा है। ये दोनों किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं? हम एक बेसिक प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह यूज़र से इनपुट लेता है और इसको प्रोसेस करके डिस्प्ले करवाता है, ये किस तरह लिखा जाता है। चलते हैं अपने कोड की तरफ। हमने अभी तक ये देखा कि कुछ डिस्प्ले करवाना हो तो उसे करवाते हैं, उसे डिस्प्ले करवाना हो तो कैसे करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि इनपुट से यूज़र लेना है तो हाउ कैन वी डू डैट। सपोज मुझे यूज़र से दो इनपुट लेने हैं और इसे प्रिंट करवाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी? अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। न्यू फाइल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन सबसे पहले हम दो इंटीजर वेरिएबल यूजर से लेते हैं, दो इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है कि टेक टू इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम। तो दो इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे, इंट नम वन नम टू, उसके बाद सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन, सी आउट करवा देंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन, उसके बाद हम करेंगे सी इन। ये हम लोग इधर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? जब सी आउट करते हैं उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगते हैं, और जब हम सी इन करते हैं उसके साथ इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं। सी इन नम वन, सिमिलरली सी आउट, इसी तरह हम नम टू के लिए लिख लेंगे सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ नम टू, सी इन नम। पहले हम जो वैल्यू देंगे वो नम वन में स्टोर हो जाएगा, और फिर हम जो वैल्यू देंगे वो नम टू में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सम कैलकुलेट करना है। इसको स्टोर करने के लिए हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे इंट सम का। सम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नम वन प्लस नम टू। सम को प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे सी आउट, sum is num1 plus num2। सम को प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं सी आउट, द सम इज num1 प्लस num2।
क्योंकि हम सम इस तरह दो वेरिएबल्स के सम को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे. फर्स्ट में एंटर सम वन वैल्यू, जो हम एंटर करेंगे वो नम वन में आ जाएगी, और जो हम एंटर करेंगे दूसरे सेकेंड टाइम वो नम टू में वैल्यू आ जाएगी. इसके बाद मैं इधर अगर कमेंट करके आपको ये बता दूं कि ये जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं इसको हम क्या करते हैं कहते हैं, और ये जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कमेंट करती हूँ, दिस इज कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर. इंसर्शन ऑपरेटर सिमिलरली कमेंट कर देंगे, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. फिर कमेंट कर देंगे. इसी तरह मैं इधर लिखूंगी इंसर्शन ऑपरेटर, और इधर लिखूंगी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. ओके, अब हमने बेसिकली इसमें क्या किया है कि हम लोगों ने दो इंटीजर वेरिएबल को इनपुट लिया और उसको प्रिंट कर दिया सम में. ठीक है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिया, हेडर फाइल के बाद दो इंटीजर वेरिएबल लिए. ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन, मैंने एक मैसेज दिया तो उसने नम वन की वैल्यू सीन में नम वन की वैल्यू यूज़र जो है वो एंटर कर देगा. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, ये जो मैंने कमेंट में लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं. और इसको जो हम सी इन के साथ जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसके साथ हम जो सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. सिमिलरली सी आउट के साथ हम लोगों ने नम टू के लिए सी आउट के साथ एंटर द वैल्यू ऑफ नम टू, ये मैसेज डिस्प्ले होके हमें आउटपुट मिलेगा, और सीन में हम नम टू की वैल्यू जो है वो एंटर कर देंगे. और इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर. और सी इन के साथ जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. और हमने इसमें ये कहा था कि हमें दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उनका सम भी चाहिए, तो सी आउट में क्या कर दिया, दी सम इज़ नम वन प्लस नम टू. आप उसके बाद रिटर्न ज़ीरो कर देंगे. रिटर्न ज़ीरो इसलिए करते हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू आउटपुट में मिलते हैं, डिस्प्ले करता है. अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे, किसी भी नाम से सेव किया तो इसको एग्जीक्यूट किया, एंटर दी वैल्यू वन, मैंने फॉर एग्जांपल एंटर कर दिया 6, एंटर दी वैल्यू टू 8, दी सम इज़ 14. ओके, ये देखें पहले तो हम ये करते थे कि हमें सिंपल सी आउट करवाते थे कोई भी मैसेज, उसको हम लोग ऊपर क्योंकि पहले हमने वेरिएबल पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको कोई वैल्यू साइन कर दी और हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो जाती थी. अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू इनपुट लेनी है. ठीक है, तो इधर मैंने क्या किया, दो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एंटर दी वैल्यू ऑफ नम वन, एस टीज मैसेज डिस्प्ले हो गया एंटर दी वैल्यू ऑफ नम वन. उसके बाद मैंने कोई वैल्यू एंटर की, अभी मैंने जो वैल्यू एंटर की थी वो 6, और मुझे 6 मिल गया. उस सिमिलरली एंटर द वैल्यू ऑफ नम टू, ये मैसेज डिस्प्ले हो गया आउटपुट में, और मैंने जो वैल्यू एंटर की वो है 8, वो आउटपुट में 8 आ गया. अब जब मैंने इसके साथ सम भी लिखा हुआ था तो आउट सी आउट सम भी करवा दें इन दो नंबर्स को, तो उसमें क्या आया, सम इज़ उसने 6 + 8 को सम करके मुझे 14 शो कर दिया, आउटपुट में 14 शो कर दिया. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. तो ये काम है कि इनपुट आउटपुट इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स का. अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें क्या है, टेक टू इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमने उसका सम जो है वो प्रिंट करवाना है. इस प्रोग्राम को देखते हैं. इंट नम वन
सेमीकोलन आएगा, नम टू सेमीकोलन आएगा, सी इन नम वन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नम टू, दे हैव been two separated by extraction operator C, num1 and num2 values. उसके बाद हम सी आउट करेंगे, सी आउट वैल्यू ऑफ num1 और एंटर कर देंगे. सिमिलरली सी आउट वैल्यू ऑफ नम टू और एंटर कर देंगे. सी आउट को यूज़ करते हुए नम वन और नम टू के वैल्यू को प्रिंट कर देंगे. ठीक है, तो जैसे सी आउट द वैल्यू ऑफ नम वन, सी आउट द वैल्यू ऑफ नम टू. अब क्या करना है कि हमें स्वैप करना है अपने दो नंबर को बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल. हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे इंट टेम्प, जिसको हम ये नाम दे देंगे इंट टेम्प. टेम्प में हम स्टोर कर देंगे किसी भी एक नंबर की वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैं करती हूँ, टेम्प इज इक्वल टू नम वन. अब नम वन में हम क्या करेंगे, नम वन में नम टू की वैल्यू को डाल देंगे, नम टू, और फिर नम टू में टेम्प की वैल्यू डाल देंगे. अब हम दोबारा इन वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे. सी आउट दी वैल्यू, वैल्यू ऑफ नम वन of num2. And return 0 कर दें. हमने क्या किया है, एक वेरिएबल int लिया है temp का. ठीक है, इसमें num1 की वैल्यू डाल दिए temp1 में. ठीक है, फिर नम वन की वैल्यू जो है चेंज करके नम टू में डाल दिए, और फिर नम टू को टेम्प में डाल दिए. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करें, दोबारा इन वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे. तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है. हम इसको सेव कर लेंगे किसी भी नाम से. Integer variables num1 and num2. temp में integer variable या temp, temp में num1 की value स्टोर कर देंगे, फिर नम वन की वैल्यू जो है वो नम टू में स्टोर कर देंगे, और नम टू की वैल्यू जो नहीं है वो टेम्प में स्टोर कर देंगे. अब उसके बाद हम लोग दोबारा सी आउट करवाएंगे, द वैल्यू ऑफ नम वन, नम वो वैल्यू नम वन की वैल्यू आ जाएगी, और सी आउट में द वैल्यू ऑफ नम टू की वैल्यू आ जाएगी.
एंटर करते हैं। ये देखें, अब जैसे मैंने 5 एंटर किया है, वैल्यू ऑफ नम 1 की 5 आ जाएगी, फिर 6 एंटर किया है, वैल्यू ऑफ नम 2 की 6 आ जाएगी, फिर उसके बाद क्योंकि ये देखें पहले टर्म में क्या आ जाएगी, नम 1 की वैल्यू 5 एंटर की थी वो आ जाएगी, फिर नम 1 की वैल्यू नम 2 में आ जाएगी 6, फिर वैल्यू ऑफ नम 1 की क्या आ जाएगी, जो एंटर की थी नम 2 की वैल्यू वो 6 है, और वो 6 वैल्यू नम 2 में आ जाएगी। होपफुली आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। ओके, ये था आज का हमारा टॉपिक वेरिएबल्स का, ठीक है, और उसमें हमने उसके रूल्स पढ़े। उसके बाद हमने ये देखा बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस में कैसे यूज़र से इनपुट लेता है और आउटपुट। पहले तो हम सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे और इसमें वैल्यू असाइन करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि हम कैसे यूज़र से इनपुट लेता है और वो फिर आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है। फिर उसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन विद इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, और इसमें एक और प्रोग्राम किया जिसमें टेक टू इंटीजर एज इनपुट एंड प्रिंट देयर सम यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को प्रिंट किया है, सम किया उसका। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। आई होप दिस मेक्स यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।